नाज़रीन प्रोग्राम ख्याल और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सवाल आया है कि जिंदगी में इतने दुख, गम और परेशानियां क्यों होती हैं? बुरे लोग तो अपने कर्मों की सजा पाते ही हैं, लेकिन अच्छे लोगों को दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इसी तरह का एक सवाल यीशु अल मसीह के सामने भी आया था। वो एक अंधे को शिफा देने जा रहे थे तो किसी ने कहा कि इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने। तो यीशु अल मसीह ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, ये सब इसलिए हुआ कि खुदा का जलाल जाहिर हो। दोस्तों, दुख, गम, तकालीफ हर किसी पे आते हैं। ये सच है कि हमें अपने फैसलों के नतीजे भुगतने पड़ते हैं, लेकिन दुखों के मामले में हम चंद बातें और करेंगे। मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूं और उसको मैं आज दुखों के हवाले से एक्सप्लेन करता हूं। थाईलैंड में 19वीं सदी की बात है कि बुद्धा का एक बहुत बड़ा मुजस्मा था, 10 फुट ऊंचा और चिकनी मिट्टी का बना हुआ। जी हां, गौर कीजिएगा, चिकनी मिट्टी का बना हुआ, 10 फुट ऊंचा। वहां पे मंदिर का जो बड़ा पुजारी था वो एक दिन अकेला दुआ कर रहा था कि कुछ सरकारी अफसरान आए और उन्होंने कहा कि इस मंदिर को मस्मार करना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत एक बहुत बड़ी शहरा यहां पे बना रही है, मोटरवे टाइप की। तो मुजस्मे को शहर की दूसरी तरफ एक पुराने मंदिर में मुंतकिल करना पड़ेगा। पुजारी बहुत परेशान हुआ, लेकिन हुकूमत का फैसला था, वो बेबस था। और सुबह जो उसके असिस्टेंट थे, दूसरे छोटे पुजारी थे, उन्होंने उसकी मदद की और वो मुजस्मे को शहर के दूसरी तरफ ले जाने का सिलसिला शुरू करने लगे। दोस्तों, इसी दौरान ऐसे हुआ कि मुजस्मा फिसला और नीचे गिर गया। और उनकी किस्मत अच्छी थी कि मुजस्मा पूरी तरह से ना टूटा, बल्कि उसमें कुछ दराड़ें पड़ गईं। बिलाखिर मुजस्मे को शहर की दूसरी तरफ ले जाया गया और वहां पे जिस मंदिर में उसे रखा गया वो वीरान था, पुराना था, ऊपर छत नहीं थी, सिर्फ सतून खड़े थे। तो बारिश और आंधी के खौफ से उन्होंने उसके ऊपर एक तरपाल तान दी। बदकिस्मती से उसी दिन आंधी और बारिश का समय था और ये बूढ़ा पुजारी बेचारा रात को परेशानी के मारे सो नहीं रहा था, बार बार करवटें बदल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। जब आंधी जोर से चली और बिजली कड़की तो उसने टॉर्च ली और मुजस्मे को देखने बाहर निकला। दोस्तों, जब वो मुजस्मे के पास गया और उसने लाइट जलाई, या आप कह सकते हैं कि टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर मारी, तो मुजस्मा चमका, पूरा नहीं, कुछ जगहों से। पुजारी बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या मामला है, ये क्या करिश्मा है। वो बार बार लाइट मारता और मुजस्मा कुछ जगहों से चमकता। खैर, वो मुजस्मे के पास गया, वो बड़ा हैरान भी था, परेशान भी था। सोचते सोचते वो उसके कदमों में बैठ गया और किसी वक्त रात को उसे नींद आ गई। सुबह जब सूरज निकला, पुजारी उठा और उसने मुजस्मे को दोबारा देखा और जहां जहां से दराड़ें पड़ी हुई थीं उसने उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू कर दिया। हाथ फेरते फेरते अचानक ऐसा हुआ कि चिकनी मिट्टी का एक और टुकड़ा मुजस्मे से अलहदा हुआ और नीचे गिरा। पुजारी को पता चला कि मुजस्मा अंदर से सोने का बना हुआ है। जी हां, जिस मुजस्मे के ऊपर चिकनी मिट्टी लगी हुई थी वो अंदर से सोने का था। असल में हुआ यह कि 15वीं सदी को जब बुर्मा ने थाईलैंड पे हमला किया और उन्होंने बहुत कत्लोगारत की, बहुत लूट मार की, तो जो पुजारी थे उन्होंने इस डर से कि कहीं वो मुजस्मे को लूट कर ना ले जाएं,
उन्होंने सोने के मुजस्मे पर चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया, उसकी तहें चढ़ा दी। दोस्तों, अब हुआ यूं कि सदियां गुजर गईं। 15वीं सदी में ये जंगोजदल का सिलसिला था और 19वीं सदी में पुजारी को पता चला कि यह अंदर से सोने का बना हुआ है। मैं दोबारा आता हूं कहानी की तरफ कि मुजस्मा टूटा, उसमें दरार पड़ी तो पता चला कि वो अंदर से सोने का है। हमारी जिंदगी में भी बाज़ुकात ऐसा होता है कि जब तक हम टूट कर गिरते नहीं हैं, हमें अपने अंदर की ताकत का जो है वो अंदाजा नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को बाज़ुकात इस तरह नॉर्मली बातें करते सुना है। वो कहते हैं कि हाँ, मेरी माँ बीमार थी, मेरी बीवी हॉस्पिटल में थी, बच्चों को स्कूल भी ले जाना था, हमारे पास इतने अखराजात भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं खुदा ने कहाँ से ताकत दे दी कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। जी हाँ, बहुत सारे मुश्किल हालात का सामना करने की हमें ताकत होती है और हमें पता उस वक्त लगता है जब हम टूट कर गिरते हैं। दुख क्या करते हैं हमारी जिंदगी में? दुख और जो मसाइल हैं या मुश्किलात हैं, वो हमें हलीम कर देते हैं, वो हमें खुदा के पास ले आते हैं, हमें जिंदगी का तजर्बा होता है और सबसे बढ़कर हमें दूसरों के दुखों का एहसास होता है। बहुत सारे लोगों को शुगर की बीमारी जो है, इसका कोई पता कोई एहसास नहीं होता और एक दिन वो उसका शिकार हो जाते हैं। फिर उन्हें अंदाजा होता है कि जिनको ये बीमारी है वो किस तकलीफ से, किस दर्द से गुजरते हैं। इसी तरह बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी बीमारियां हमें दूसरों के बारे में बताती हैं कि जब दूसरे इस तरह की बीमारी से और मुश्किल से गुजरते हैं तो उन्हें क्या फील होता है। दोस्तों, अय्यूब नबी की जो किताब है वो भी दुखों के बारे में बात करती है। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने दुखों के मौजूआत पर किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन जब इंसान दुखों में, मुसीबतों में पड़ता है तो उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। बाइबल के एक बहुत बड़े आलम फादर परवेज इमैनुअल कहते हैं कि दुखों और गमों के सामने बड़े बड़े दानश्वरों के, सियाने लोगों के जो मशवरे हैं, वो बाज़ुकात बौने और गिलहरियां नजर आते हैं। दुखों के पहाड़ों के सामने बाज़ुकात इंसान की अकल जो है वो बौने और गिलहरियों जैसी होकर रह जाती है। इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक और बात जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कही थी कि जैसे मुजस्मे के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया गया था, उसी तरह इंसान भी सोने से जो कहीं ज्यादा खूबसूरत और कीमती होता है, उसके ऊपर भी नफरत के बहुत सारे लेप लगा दिए जाते हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसे बताया जाता है कि अपनी पप्पो से नहीं मिलना, दादी से नहीं मिलना, दादा से नहीं मिलना, नानी से नहीं मिलना या नाना, बहुत सारे खूबसूरत और अजीम रिश्तों को फरामोश कर दिया जाता है। एक मासूम और सोने से भी ज़्यादा कीमती बच्चे पर नफरतों का लेप लगा दिया जाता है। मैं सवाल की तरफ फिर लौटता हूँ। पूछा गया था कि दुख और तकलीफें क्यों आती हैं। दोस्तों, जो अय्यूब नबी की किताब है, बाज़ुकात लोग समझते हैं कि उसका सिर्फ यही मतलब है कि अय्यूब पर दुख आए, उसके पास जो कुछ था वो लुट गया और फिर खुदा ने उसको दोबारा वापस कर दिया। ये कहानी को ज़ाहरी तौर पर देखें तो यही नज़र आता है, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ पैगाम भी है और वो ये है कि अय्यूब और उसके दोस्त सारी बहस करने के बावजूद वो ये समझ नहीं पाते कि दुख जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। दोस्तों, इंसान ये समझने से कासर है। अच्छे बुरे, इंसाफ पसंद, नेक, दुख सब लोगों पर ही आते हैं। इंसान इन्हें समझने की कोशिश करता है लेकिन इन्हें समझना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो है उस पे बड़े बड़े आलम और समझदार लोग जो हैं वो मुत्तफिक होते हैं कि अगर आप यसू अल मसीह की ज़ात पर ईमान रखते हैं,
ईमान रखने से सिर्फ यही मतलब नहीं कि चर्च चले गए और बाइबल पढ़ ली या नमाज कर ली, नहीं, प्रैक्टिकली यीशु मसीह की टीचिंग को अपनाना, इंसाफ, मोहब्बत, हमदर्दी, मुआफ़ी, सच बोलना, इंटेग्रिटी, उसका ख्याल करना। अगर अमली तौर पर आप मसीही हैं और यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं तो ये बात मैं गारंटी से कहता हूँ, बल्कि गवाही देता हूँ कि अगर आपका ईमान यीशु अल मसीह पर है, आप रोज़ाना दुआ करते हैं और दूसरों के बारे में ना बुरा सोचते हैं और ना बुरा करते हैं, तो जितने मर्जी दुख आप पे आ जाएं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जितने मर्जी दुख आप पे आ जाएं, आप दुखों के दरमियान भी अमन, सुकून और शांति महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, ये ऐसा होता है और मैंने खुद इसका ज़िंदगी में तजर्बा किया है। दोस्तों, आज का ख्याल यही था। वक्त काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं जिन लोगों ने पिछले प्रोग्राम में कमेंट्स किए थे उनके इस बार नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगले प्रोग्राम में मैं दोबारा सबका शुक्रिया अदा करूँगा। हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, दुआओं और वफाओं के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आसिम खन्ना।